हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज फिर से मैं एक और इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो है अबाउट ब्लू कार्ड। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो ब्लू कार्ड के बारे में मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आपको बताने वाले हैं कि ब्लू कार्ड जो है वो किन लोगों के लिए होता है, ब्लू कार्ड क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस। तो ये सारे पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपको हेल्प करे। कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं यार कि ब्लू कार्ड क्या होता है, किस लिए होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं भी हैं। हाँ, ऐसा भी है, बेनिफिट्स नहीं है। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज यहाँ पर, मतलब बहुत ही ग्रीनरी हो रही है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसा कि आज का टॉपिक है कि एवरीथिंग अबाउट द ब्लू कार्ड, तो बेसिकली मैं शुरू करना चाहता हूँ पहले उस चीज़ से कि ब्लू कार्ड होता क्या है। देखो, ब्लू कार्ड क्या है, इट्स अ सिंपल वर्क परमिट, इट्स अ टाइप ऑफ द वीज़ा, एक वीज़ा का प्रकार है जो उन लोगों को दिया जाता है जो कि हाईली क्वालिफाइड जॉब्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इन रिसर्च फील्ड, मैथमेटिशियंस, तो इन लोगों के लिए एक वीज़ा स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है जो अदर देन यूरोपियन यूनियन या जर्मनी के अलावा जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो ये टैलेंटेड हाईली क्वालिफाइड स्किल्स वाले जो लोग हैं उनको जर्मनी में लाने के लिए, उन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए जिनकी ये तो यहाँ पर या तो कमी है या हो सकता है फ्यूचर में इनको चांसेस है कि कमी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग जॉब्स हो गई या डॉक्टर्स हो गई, तो उन डॉक्टर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, काफ़ी कम है और फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो इसके लिए इन्होंने जो वीज़ा डिज़ाइन किया उसको बोलते हैं ब्लू कार्ड। ओके, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है क्राइटेरिया। ये ब्लू कार्ड पाने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, तो बेसिकली बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलता हूँ अब ये वीडियो अगर इंडिया से देख रहे हैं तो आपको एक जॉब लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज ए इंजीनियर आपने जॉब अप्लाई की और आपको यहाँ से किसी कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया, राइट, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो दो तरह के वीज़ा होता है, एक नॉर्मल वर्क परमिट, एक ब्लू कार्ड। अगर आपको ब्लू कार्ड लेना है तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपकी सैलरी 55,200 यूरो एनुअली, एक साल का जो पैकेज है, इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी आपको ब्लू कार्ड मिलता है। नॉर्मल वर्क परमिट में आपका ऐसा सैलरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ब्लू कार्ड के लिए मिनिमम सैलरी एक डिफाइन की गई है कि आपको मिनिमम 55,200 यूरोस मंथ, एक साल में आपका पैकेज इतना होना चाहिए, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, मतलब फिक्स्ड सैलरी इतनी होनी चाहिए। जो एक्सेप्शन होते हैं उनमें क्या होता है, मान के चलते हैं कोई एम्प्लॉयर है, उसको हाईली स्किल्ड या हाईली क्वालिफाइड जॉब के लिए कोई एक पोजीशन फिल करनी है, ठीक है। अब अगर उसको वो बंदा यहाँ पर नहीं मिल रहा है और वो गवर्नमेंट को प्रूव करता है कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ पर्सन जो किस कैटेगरी में आता है, जो हाईली क्वालिफाइड कैटेगरी में आता है, जो मैंने बताया इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, तो इस कैटेगरी में अगर फॉल करता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शन होते हैं, तो इस केस में आपको 43,056 यूरोस एनुअल पैकेज पे भी आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है, एक क्वालिफाइड जॉब के लिए कंपनी को बंदा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कम सैलरी पर भी आपको ब्लू कार्ड गवर्नमेंट ऑफर करती है यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। ओके, जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो यही है 55,200 यूरोस की। तो ये मैंने आपको बताया क्राइटेरिया क्या होता है ब्लू कार्ड का। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कंपेयर टू अदर वर्क परमिट वीज़ा से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एडवांटेजेस से। मैं कुछ एडवांटेजेस इसलिए आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं और मैंने सोचा एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज ब्लू कार्ड का ये होता है कि आपका अगर पार्टनर फैमिली रीयूनियन वीज़ा, स्पाउस वीज़ा अगर लेता है तो आपके जो पार्टनर है उसको लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट या कोई भी लैंग्वेज जो लेवल है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बार ऐसा कमेंट्स में आता है कि यार हमारे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड है तो हमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो नहीं है। अगर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के पास ब्लू कार्ड है और आप फैमिली रियूनियन वीज़ा से जर्मनी आ रहे हो तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे वीज़ाज़ की बात करूँ, उस केसेस में आपको
A1 जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा है। और जो सेकेंड वन है वो मैं आपको और बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी वीज़ा पे आई थी, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, और मेरे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड था। तो जो सेकेंड पॉइंट है ये इसी से रिलेटेड है कि अगर आपका पार्टनर एज ए फैमिली रीयूनियन वीज़ा या स्पाउस वीज़ा से ज्वाइन करता है यहाँ पर, मतलब जर्मनी आता है, तो वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर काम कर सकता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर ब्लू कार्ड है आपके पार्टनर के पास एंड देन जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैंने एज ए स्पाउस ज्वाइन किया है, तो मैं इमीडिएटली जैसे ही मैं यहाँ पर आई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस मैं यहाँ पर काम कर सकती थी। तो ये फॉर अ फैमिली फॉर अ लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। ओके, तो जैसा सुरभि ने बताया कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ब्लू कार्ड के, तो जो थर्ड एडवांटेज है और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा ब्लू कार्ड का होता है कम्पेयर टू अदर वर्क परमिट, वो ये होता है कि अगर आप जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं तो ये, और मतलब जल्दी ही सेटल होना चाहते हैं, तो ये कार्ड बहुत काम आता है। कैसे? क्योंकि अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप जर्मनी में 33 मंथ्स जर्मनी में रहने के बाद आप परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो आप जर्मनी में आने के बाद मात्र 21 महीनों के बाद 21 मंथ्स के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं, जो मतलब कि नॉर्मल वर्क परमिट के लिए उसकी ड्यूरेशन होती है 5 साल। मतलब अगर आपके पास नॉर्मल वर्क परमिट है तो आपको 5 साल कम से कम जर्मनी में रहना पड़ेगा PR के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन ब्लू कार्ड में कितना बड़ा एडवांटेज है, लैंग्वेज के साथ 21 मंथ्स और विदाउट लैंग्वेज 33 मंथ्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके पास जर्मनी का PR है तो आप मैक्सिमम 6 मंथ्स जर्मनी के बाहर रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया गए, 6 महीने से ज़्यादा आप अगर इंडिया में हैं तो आपका PR कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर से वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन ब्लू कार्ड में क्या होता है, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप 12 महीने तक जर्मनी के बाहर रह सकते हैं, फॉर EU के बाहर रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट 1 साल तक इंडिया रह सकते हैं, लेकिन आपका जो ब्लू कार्ड है वो वैलिड रहेगा, वो एक्सपायर नहीं होगा। ओके, जो फिफ्थ एडवांटेज है वो एक्चुअली बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उसमें आपकी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं होती है। उसमें वो कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए आपके पास ब्लू कार्ड है जर्मनी का, आप जर्मनी आ गए हैं, आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि यार आप जर्मनी की जगह आप नीदरलैंड में काम करना चाहते हैं या फिर ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं, आपको वहाँ से अच्छा बेटर जॉब ऑफर मिल गया, तो आप यहाँ पर 18 मंथ्स रहने के बाद आप यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं और आप EU जो यूरोपियन यूनियन का जो ब्लू कार्ड है वो ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनको डिफरेंट कंट्रीज़ में रहने का शौक है या उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो जो दूसरे वर्क परमिट में नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द ब्लू कार्ड। तो आपने सुन लिया हम लोगों से एडवांटेजेस, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन केस आपको ब्लू कार्ड है, आप यहाँ जर्मनी में काम कर रहे हो और आपको 2 साल से पहले स्विच करना है दूसरी जॉब में, आपको अच्छी जॉब मिल गई एंड यू हैव टू स्विच इट, लेकिन अगर आपका जो पैकेज है वो ज़्यादा नहीं है देन अभी के कंपैरिजन में जितना आपको मिल रहा है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज़ नॉट अलाउड। सो ये जो है वो सबसे पहला आई वुड से डिसएडवांटेज है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। देन द सेकेंड वन जो जिससे आई थिंक मैंने ब्लू कार्ड से मना कर दिया कि आई डोंट वॉन्ट ब्लू कार्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ और आप शौक हो जाओगे सुन के, वो ये है कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो अदर देन आपका जो प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन के लिए आप काम कर रहे हो या जिसकी आपको पास डिग्री है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप और कोई भी ज़रिए से जो है वो अर्न नहीं कर सकते हो, वो अलाउड नहीं है। तो जैसे मैं अभी यूट्यूबिंग कर रही हूँ, आपको पता ही है बहुत टाइम से मैं यूट्यूब के वीडियोज़ बना रही हूँ और भी कुछ फ्रीलांसिंग दूसरी चीज़ें कर सकती हूँ मैं अगर मेरे पास ब्लू कार्ड नहीं है। तो जब मुझे यहाँ पर जॉब मिली तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ब्लू कार्ड लूं या ना लूं, और मैंने चूज़ किया कि नहीं, मुझे ब्लू कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ब्लू कार्ड ले लेती तो मैं यूट्यूब से, मतलब मैं सिर्फ उसे एज ए हॉबी के लिए कर सकती थी, मैं उससे अर्न करना जो था वो अलाउड नहीं था जब तक मुझे PR नहीं मिल जाता है यहाँ पर।
और अब क्योंकि मैंने ये चूज़ किया है कि आई डोंट वॉन्ट द ब्लू कार्ड, तो मुझे 5 साल में पीआर मिलेगा, और अगर मैं ब्लू कार्ड ऑप्ट करती तो मुझे 33 मंथ्स में पीआर मिल जाता। तो ऑफ कोर्स मतलब टाइमिंग डिफरेंस है, बट यार ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ऐसी वाइफ्स, ऐसे पार्टनर्स जिनको बाद में जॉब मिलता है यहाँ पर आने के बाद, और वो कुछ और करना चाहते हैं, लाइक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अपने जॉब के साथ, या और कोई फ्रीलांसिंग जॉब करना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लू कार्ड मत लेना, क्योंकि ब्लू कार्ड के साथ आप और कुछ नहीं कर सकते। तो ये है डिसएडवांटेज। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने आपको ब्लू कार्ड के बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, पर हम चाहते थे कि हम दोनों साइड्स आपको बताएं ब्लू कार्ड की, अच्छी साइड्स भी और बेकार साइड्स भी। ऑफ कोर्स ब्लू कार्ड से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाती हैं, जब जैसे स्पाउस, जैसे हम लोग जब यहाँ पर ज्वाइन करते हैं अपने हस्बैंड्स को या अपने पार्टनर को, बट देन आगे चल के कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे हित में नहीं भी होती, जो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा बताना, हमने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, जिनको भी जर्मनी के बारे में जानना है या जिनको ये जानना है कि ब्लू कार्ड क्या होता है और किस लिए होता है जर्मनी का ब्लू कार्ड, तो वो ज़रूर लोगों से शेयर करना। बाकी हम आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो लेके आते ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं बेस्ड ऑन हमारा एक्सपीरियंस है, आपको पता ही है हम लोग बहुत ज़्यादा जो हमारी लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस होते हैं और एग्जांपल्स होते हैं वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। ज़रूर बताना हमारी जो ये कोशिश है वो आपको कैसी लग रही है, और बाकी तो मिलते ही रहेंगे वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।